अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज का लतीफ़ा। बीवी गुस्से से, तुमसे तो कुत्ता ज़्यादा वफ़ादार होता है। शोहर बोला, हाँ तुम ठीक कह रही हो, लेकिन कुत्ता आपको हर महीना साड़ियाँ लाकर नहीं देगा। बीवी शोहर से, डार्लिंग जब मैं मर जाऊँ तो तुम अपनी दूसरी बीवी को मेरे कपड़े पहनने मत देना। शोहर बोला, हाँ तुम घबराओ मत, वैसे भी फरजाना को तुम्हारे कपड़े नहीं आएंगे, वो ज़रा मोटी है। शोहर को अस्पताल में दाखिल हुए, आज तीसरा दिन है। एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त से, सुना है तुम मियाँ बीवी का बड़ा गहरा रिश्ता है। दूसरा दोस्त बोला, हाँ जब हम दोनों की लड़ाई होती है तो पूरा महल्ला मिलकर हम दोनों को अलग करता है। आरिफ शकील से, तुम आजकल क्या काम कर रहे हो? शकील बोला, फर्नीचर का काम कर रहा हूँ। आरिफ ने पूछा, काम कैसा चल रहा है? शकील बोला, कुछ खास नहीं, घर का फर्नीचर बेचकर काम चला रहा हूँ। एक लड़की अपने महबूब से पूछने लगी कि जब तुमको मेरी याद आती है तो तुम क्या करते हो? लड़का बोला, मैं तुम्हारी पसंदीदा चॉकलेट खा लेता हूँ। फिर लड़के ने पूछा, और तुम क्या करती हो? तो लड़की ने कहा, मैं दो सिगरेट पी लेती हूँ। आर्टिस्ट गाहक से, इस तस्वीर के पीछे मेरे 5 साल गुजर गए। गाहक ने हैरानगी से पूछा, इस कदर मेहनत करना पड़ी आपको इस पर? आर्टिस्ट ने कहा, जी नहीं, तस्वीर तो एक हफ्ते में बन गई थी, मगर गाहक 5 साल बाद मिला है। एक आदमी अपने 16 बच्चों के साथ दोस्त के घर खाने पर गया। दोस्त इतना बड़ा ख़ानदान देखकर बोला, हया नहीं आई? आदमी ने कहा, नहीं आज उसका पेपर है। डॉक्टर बच्चे से, तुम्हारे पेट में दर्द किस वक्त होता है? बच्चे ने कहा, जब मैं स्कूल जाता हूँ। औरत सब्ज़ी वाले से, अगर ये सब्ज़ी ख़राब हुई तो मैं हांडी ही उठाकर ले आऊँगी। सब्ज़ी वाला बोला, अगर मुनासिब हो तो साथ में 2 रोटियाँ भी ले आना। गाहक कसाई से, भाई अब मेरा भी कीमा बना दो। कसाई लटका हुआ बकरा उतारते हुए, फिक्र न करें जनाब, इसके बाद आपकी ही बारी है। गाहक दुकानदार से, एक जनाना चप्पल दीजिए। दुकानदार ने कहा, किस नाप की? गाहक बोला, वो तो मैं भूल गया, खैर आप मेरी पुश्त पर नाप देख लीजिए। आदमी सरदार से, तुमसे ऐसी क्या गलती हुई कि तुम जेल में हो? सरदार ने कहा, मैंने बैंक लूटा था और वहीं गिनने बैठ गया। अमजद असलम से, आज तुम अपने ऑफिस न जाओ, दरख्वास्त लिख दो कि तुम्हारी चची फौत हो गई है। असलम ने कहा, लेकिन मैं तो चचा के ऑफिस में काम करता हूँ। घर का मालिक चोर से, इतनी सारी चीज़ें लूट गए हो, ये जा नमाज तो रहने दो, इस पर मैं नमाज पढ़ता हूँ। चोर बोला, क्या मैं मुसलमान नहीं, सिर्फ तुम ही नमाज पढ़ते हो। एक साहब दोस्तों की महफिल से उठकर रात काफ़ी देर गए घर पहुँचे। दूसरे दिन दोस्तों ने पूछा, रात को भाभी ने कुछ कहा तो नहीं? साहब ने शर्मिंदा होकर जवाब दिया, नहीं कुछ नहीं, ये सामने के 2 दांत तुम्हें कई दिनों से निकलवाना ही चाहता था। एक आदमी का गधा मस्जिद में दाखिल हुआ तो लोग गधे के मालिक को बुरा भला कहने लगे। तो मालिक ने कहा कि गधा है, ना समझ है, इसलिए मस्जिद में आ गया, वरना मैं क्यों मस्जिद में नहीं आता। एक जेब कतरे ने दूसरे जेब कतरे के हाथ में तस्बीह देखकर हैरत का इजहार करते हुए पूछा, क्या अपने पेशे से ताइब हो गए? दूसरे जेब कतरे ने मुंह बसोरते हुए कहा, नहीं यार, अभी अभी गलती से एक मौलवी साहब की जेब में हाथ पड़ गया था। पहली औरत दूसरी औरत से, मुझे अपने शोहर पर शक है कि वो किसी लड़की से मिलता है। दूसरी औरत बोली, फिर तुम क्या करोगी? पहली औरत ने कहा, मैं आज ही अपने बॉयफ्रेंड को शोहर के पीछे लगाती हूँ। बीवी खाविंद से, आज मेरे बदन में आग लगा दें। खाविंद ने पेट्रोल फेंक कर आग लगा दी, नतीजा ये निकला कि जज्बात का इजहार खुले लफ्ज़ों में करें। डॉक्टर औरत से, आपके शोहर को मुकम्मल आराम की ज़रूरत है, ये नींद की गोलियाँ रख लें। बीवी ने पूछा, ये मैं इन्हें किस टाइम दूँ? डॉक्टर ने कहा, ये इन्हें नहीं देनी है, बल्कि आपने खानी है। एक पड़ोसन ने दूसरी पड़ोसन से कहा कि हमारी सारी बातें बराबर वाले पड़ोसी सुनते हैं। दूसरी औरत ने कहा, तुम दीवार बड़ी क्यों नहीं करवा लेती? पहली फौरन बोली, लो भला,
फिर मैं उनकी बातें कैसे सुन सकूंगी। असगर नासिर से, यार मुझे तंग मत करो, मेरा पहले ही मूड ऑफ है। नासिर ने कहा, यार तुम कभी ऑन होते हो कभी ऑफ, मुझे तो डर है कि तुम किसी दिन फ्यूज ना हो जाओ। बीवी ने शोहर का मोबाइल देखा, फोन बुक में लड़कियों के नंबर कुछ इस तरह थे, पड़ोसन की बच्ची, न्यू बच्ची, सामने वाली बच्ची, ऊपर वाली बच्ची, कॉलेज वाली बच्ची। ये देखकर बीवी जोश में आ गई कि मेरा नंबर किस नाम से सेव होगा। बीवी ने अपना नंबर डायल किया तो स्क्रीन पर लिखा हुआ था, पागल की बच्ची। एक लिफ्ट ऑपरेटर लोगों के बार बार वक्त पूछने से तंग आ गया था, आखिर उसने एक बड़ी घड़ी लिफ्ट में लगा दी। अब लोग सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं, भाई साहब क्या ये घड़ी ठीक चल रही है। ग्राहक वेटर से, देखो शोरबे में मक्खी तैर रही है। वेटर ने कहा, जनाब ये भी तो देखें कि किस खूबसूरती से तैर रही है। दोस्त, सुनाओ यार तुम्हारी उस मुर्गी का क्या हाल है जो साइकिल के नीचे आ गई थी। दूसरा दोस्त बोला, यार हाल तो ठीक है मगर अंडे टूटे हुए देती है। एक आदमी ट्रेन चला रहा था कि अचानक ट्रेन जबरदस्त झटके खाने लगी। लोग डर के मारे चीखने लगे और आदमी से पूछने लगे कि क्या हुआ। आदमी ने कहा कि पटरी पर आदमी था, तो लोगों ने कहा कि एक आदमी को बचाने के लिए तुम हम सबको मारना चाहते थे, सीधा ट्रेन उस पर ही चढ़ा देते। आदमी ने जवाब दिया कि मैं उसको मारने ही वाला था, लेकिन वो पटरी से उतरकर खेतों में दौड़ने लगा। मैंने भी ट्रेन खेतों में उसके पीछे दौड़ाई मगर वो बच गया। लड़की लड़के से, हम कहाँ जा रहे हैं। लड़का बोला, लॉन्ग ड्राइव पर। लड़की बोली, वाओ पहले क्यों नहीं बताया। लड़का बोला, मुझे भी अभी पता चला है। लड़की बोली, वो कैसे। लड़के ने कहा, ब्रेक नहीं लग रही है। रेस देखते हुए एक आदमी ने अपने साथ बैठे बंदे से पूछा, इनाम किसको मिलेगा। आदमी ने कहा, सबसे आगे वाले को। दूसरे आदमी ने कहा, तो ये पीछे वाले क्यों दौड़ रहे हैं। आदमी फकीर से, तुम्हें शर्म नहीं आती रास्ते में खड़े होकर भीख मांगते हो। फकीर जलकर बोला, तो क्या भीख मांगने के लिए दफ्तर खोल लूं। बीवी शोहर से, शादी से पहले मैं पेप्सी की बोतल की तरह स्मार्ट थी। शोहर जलकर बोला, तुम तो अब भी पेप्सी की बोतल की तरह ही हो। बीवी खुश होते हुए, वो कैसे। शोहर बोला, पहले तुम रेगुलर बोतल की तरह थी और अब जम्बू साइज। लड़का लड़की से, मैं तुम्हें हाथ लगाए बगैर गले लगा सकता हूँ। लड़की बोली, नामुमकिन है। लड़के ने कहा, लगी शर्त पेप्सी की। लड़की बोली, हाँ लगी। लड़के ने लड़की को ज़ोर से गले लगा लिया। लड़की बोली, तुमने मुझे हाथ लगाया है। लड़का बोला, तो ला रहा हूँ ना पेप्सी। एक रीढ़ी वाला करेलों पर पानी का छिड़काव कर रहा था ताकि वो ताज़े रहें। एक साहब काफ़ी देर देखते रहे, जब मजीद बर्दाश्त ना हुआ तो बोले, अजी अगर इन्हें होश आ गया हो तो मुझे 1 किलो तोल दो। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। इसी तरह की मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए शुक्रिया।